अज होशियारपुर के नंगल शहीदा च स्थित रोहन राजदीप टोल प्लाजा से काम करने वाले कर्मचारियों के वालों टोल कंपनी विरुद्ध रोस प्रदर्शन किया गया। इस मौके कंपनी विरुद्ध नारेबाजी करदिया पत्रकारों नूं जानकारी दी। देखो होशियारपुर तो गुरदीप सिंह की पूरी रिपोर्ट। मैं कुलविंदर लाल प्रधान टोल प्लाजा पंजाब। साडा जिहड़ा रोस प्रदर्शन ये सीगा कि असी पिछले 15 साल तो इस कंपनी टोल प्लाजा के काम कर रहे हैं। अज कल साडे जीएम साहब आए थे, वो सानू कह रहे हैं कि 18 मार्च नू असी ये पक्के टोल प्लाजा बंद करके जा रहे हैं। तो असी हुण ये किसान जथेबंदियां अगे मंग रखी है कि असी जदों तो भी संघर्ष चल रहे हैं, असी किसानां दा साथ दे रहे हैं, पर अज साडे साड़ी नौकरी नू खतरा पैदा हो गया, जिस नाल कि हजारां पंजाब च नौजवान बेरोजगार हो जाने। साड़ी यही मंग करदे आ कि जिथे किसानां दे नाल असी खड़े आ, हुण किसान जथेबंदियां भी साडा साथ देण। कारण की दस्सो उन्होंने टोल प्लाजा क्यों बंद कर लिया? कारण सर ये आ, वो कहिंदे भी असी 6 महीने तो तुहानू सैलरी दे रहे हैं, पर हुण भी साड़ी बस कंपनी दी किसे पासे इनकम है नहीं, पर असी कंपनी दे अगे मंग करदे आ कि असी 15 साल तुहानू कमा के दिता, कि जिथे कंपनी का तो भाजी टाइम बढ़ के मिल जाना, सिर्फ हुण यही है ये वर्कर ही मारिया जाना कि वर्कर का नुकसान हो रहा। अभी कहने भी जिथे कंपनी को टाइम बढ़ के मिल जाना, उत्थे वर्करा की भी लगातार सैलरी जारी रखी जाए। नहीं वो सर है तो उदों तक जो तक संघर्ष चल रहा, पर यदि कोई पक्की उम्मीद नहीं ना कदों तक चलूगा, क्योंकि इस तक पक्के मुलाजम 15-15 साल तो काम कर रहे हैं, साडा इथों रुजगार चलता, घर का गुजारा चलता। होर की उन्हां वल्लों भरोसा दिता गया जद तक संघर्ष चलता है, कोई अद्धी तनखाह देणगे जां किन्ने परसेंट देणगे? नहीं सर, वह 45% कह रहे हैं, पर इहदा कोई पक्का नहीं ना पता कि कदों तक देणगे उह। ते लिखती समझौता होया होवे? नहीं कोई लिखती नहीं है। किसानां नूं भी मंग पत्र दिता गया तां किसानां वल्लों की भरोसा दिता गया? नहीं किसानां वल्लों भरोसा दिता गया, वह कहिंदे असीं अपने उच्च लीडरां जिद्दां संयुक्त मोर्चे दे लीडर है उन्हां नाल गल करके तुहानूं दस्सांगे, भी जो भी फैसला लिया जाऊगा तुहानूं दस दिता जाऊगा। मैं समर्थन के यही कह रहा कि जी टोल प्लाजा कंपनी है, जो तो पहला गड्डिया ज़्यादा तादाद में लंघदियां सी तो उदों भी कोई कंपनी ने इन्हें कोई इंसेंटिव नहीं दिता कि अज जो गड्डी 200 लंघी है तो इन्ने पैसे मिलूंगे, तो जो 1000 लंघी तो इन्ने मिलूंगे। तो जे पूरे मुल्क से जो आफत आ गई आ तो वो जी आफत साढ़े जे मुलाजम आ इन्हों ना बेरोज़गार तुम करो, जो तो सरकार ने थोड़ी पीरियड के एक्सटेंशन ला देनी आ, तो भाई जेडे ये जे मुलाजम आ इन्हों की तनखा ना रोकी जाए, क्योंकि इन्होंने परिवार आ जोड़े वो थोड़ी तनखा के नाल ही चलते हैं। तो जो मुलाजमान ने 100-100 की स्पीड के जोड़े मोहरे खड़ के गड्डिया रोक के थोड़ा पैसे कमा के दते, जे अज जे थानू 6 महीने बंद करना पै गया तो कोई बड़ी गल नहीं होगी, ये मुलाजमान का कंपनी को साथ देना चाहिए। सरकार को भी यही बेनती करनी चाहता कि ये जे मुलाजम आ इन को एक सोर्स है वो हैगी आ वाली नौकरी, तो इन्हों बेघर ना किया जाए, इन जो नौकरी आ वो बचाई जाए। कुलवंत सिंह सैनी सरप्रस्त टोल प्लाजा यूनियन पंजाब। अज असी लगातार जो ये बंद हो रहा 12 अक्तूबर तो बंद आ, ये साडे टोल प्लाजा बंद आ, पर इन्हें जी तनखाह तनखाह मिलती रही सी, कुछ साडे टोल प्लाजा जे तनखाह नहीं दे रहे सी। असी किसान जथेबंदियों अज एक मंग पत्र दिता कि जितने अभी थोड़ा साथ पहला तो हुण तक दे रहे हैं, हुण भी बैठे नाल तुहाडे, तुसीं सारे साडा साथ दिओ, साडे मुलाजम जिहड़े बेघर हो रहे आ, जिन्हां नूं तनखाह मिलणी बंद हो रही आ, कंपनी बंद कर रही आ, इसलिए सानूं सारयां नूं टाइम जिदा इन्हों टाइम बढ़ जाना, कंपनी का टाइम बढ़ जाना, लेकिन जोड़े मुलाजम आ सरकार जो चाहती है भी मुलाजम साढ़े को रहन, तो सरकार हदायत कर दे कंपनी को भी इन्हों जब तक टोल प्लाजे इस संघर्ष चलता, टोल प्लाजे नहीं चलते इन्हों तनखा दी जाऊगी। प्रधान जी अब टोल प्लाजा यूनियन वालों मंग पत्र दिता गया, की कहना चाहोगे? आप जी दे मैं सारे के ध्यान च लिया देवां कि कंडी किसान यूनियन जी जिसका गठन हने हने होया उसका मैं सलाहकार हाँ, पर मैं प्रधान नहीं, क्योंकि अज प्रधान जी किसी खास काम करके इत्थे हाजिर नहीं होए। जिस तक टोल प्लाजे दी कर्मचारियों दी मंगां दा सवाल आ, तो उन्होंने सानू मंग पत्र दिता। मैं अपने तौर पर महसूस करदा हाँ कि ये जिहड़ा टोल प्लाजे दे कर्मचारियों नू बेरोज़गार करन दा कंपनी वालिया ने ते सरकार दी शह दे उत्ते जिहड़ा कदम चुकिया, ये मंदभागा आ। मैं टोल प्लाजा कर्मचारियों के नाल इन्हां दी हर मंग दे नाल सहमत हाँ, तो इन्हां दे नाल मैं चट्टान वांग खड़ा हाँ, जिथे भी ये कहणगे मैं उन्हां दे नाल
तो कंडी किसान यूनियन जी है जो हमने हमने नवा नवा गठन होया वो इन्हों के नाल मोढ़े न मोढ़ा जोड़ के खड़ेगी। पर मंग पत्र दिता गया उत्ते की कार्रवाई पर असी ये साड़ी असी केंद्रीय जथेबंदियां जिहड़ियां किसान जथेबंदियां उन्हां दे नाल अज राबता कायम करके उन्हां दे नाल उन्हां कोलों हदायतां लवांगे कि इहो जिही समस्या जिहड़ी हैगी है हुशियारपुर जिले दे विच आई आ असीं इस दा किस तरह निपटारा कर सकते हैं क्योंकि मैं खुद अपने तौर दे उत्ते किसी किस्म दी कोई अदालत पोस्ट ते नहीं जे मैं किसी कार्यकारी नौकरी दे उत्ते नहीं हैगा भी जिहड़ा मैं तुहानूं कह देवां भी असीं आह कर देवांगे जां उह कर देवांगे असीं तुहाडियां मंगां दे नाल तुहाडी तुहाडे नाल साडी पूर्ण हमदर्दी है क्योंकि तुसीं एक बंदा बेरोजगार हुंदा ते उहदे नाल उसदे दो बच्चे एक बीवी ते इक खुद ते दो उसदे माँ प्यो जिहड़े ने उहनां दे ढिड दे उत्ते लत्त वजदी आ। मैं उम्मीद करदा हां कि जिहड़ी कंपनी हैगी आ जदों इस नूं तुसीं मंग पत्र दिओगे असीं भी किसान जथेबंदियां वल्लों टोल प्लाजा कर्मचारियों दीआं मंगां जिहड़ियां हैगीआं उहनां दा ध्यान तुहाडी मैनेजमेंट दे ध्यान हित असीं लिआउण दी कोशिश करांगे ते हर संभव जतन करांगे कि तुहानूं टोल प्लाजा कर्मचारियों नूं किसी किस्म की कोई आर्थिक कौकड़ ना हो। बस ठीक है असीं आपां जिहड़ी आ साडी हायर अथॉरिटी उहनूं पजा देंगे जो भी अगे होया इहनूं दस देंगे फैसला उहनां दा। ये नहीं है तो इशू उदे बन गया बाहर वाले का की है जो महाराष्ट्र वगैरह के जो कल टोल स्टार्ट हो गया उन्होंने आने जो मुश्किल होंगी है इसलिए कहते एक एक एज ए सिक्योरिटी गार्ड रखे उन्होंने होर नहीं पी इसलिए नहीं सिर्फ तीन बंदे एक टोल पर रहूंगे एज ए सिक्योरिटी गार्ड जो भी एसेट है कंपनी का ध्यान रखूंगे नहीं नहीं इदा कुछ नहीं पक्के इंप्लाई है टोल चाहे बंदे टोल लाइन है नवा बंदा एकदम असं बिठा नहीं सकते महीना एक तो सीखन लग जाता काम इसलिए सानू पुराने बंदे जड़े अपने आडे परमानेंट इंप्लाई। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਕਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਖਿੜ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ nrimb.com ਤੇ।